एक दिन एक कवि किसी धनी आदमी से मिलने गए और उसे कई सुंदर कविताएं इस उम्मीद के साथ सुनाई कि शायद वो धनवान खुश होकर कुछ इनाम जरूर देगा। लेकिन वो धनवान भी महाकंजूस था। वो बोला, तुम्हारी कविताएं सुनकर दिल खुश हो गया, तुम कल फिर आना, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। कल शायद अच्छा इनाम मिलेगा, ऐसी कल्पना करता हुआ वो कवि घर पहुंचा और सो गया। अगले दिन वो फिर उस धनवान की हवेली में जा पहुंचा। धनवान बोला, सुनो कवि महाशय, जैसे तुमने मुझे अपनी कविताएं सुनाकर खुश किया है, उसी तरह मैं भी तुमको बुलाकर खुश हूं। तुमने मुझे कल कुछ भी नहीं दिया, इसलिए मैं भी कुछ नहीं दे रहा, हिसाब बराबर हो गया। उसने अपनी आप बीती एक मित्र को सुनाई और उस मित्र ने बीरबल को बता दिया। ये सुनकर बीरबल बोला, अब जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, तुम उस धनवान से मित्रता करके उसे खाने पर अपने घर बुलाओ। हाँ, अपने कवि मित्र को भी बुलाना मत भूलना, मैं तो खैर वहां मौजूद रहूंगा ही। कुछ दिनों बाद बीरबल की योजना अनुसार कवि के मित्र के घर दोपहर को भोज का कार्यक्रम तय हो गया। नियत समय पर वो धनवान भी आ पहुंचा। उस समय बीरबल, कवि और कुछ अन्य मित्र बातचीत में मशगूल थे। समय गुजरता जा रहा था लेकिन खाने पीने का कोई भी नामो निशान न था। वे लोग पहले की तरह बातचीत में व्यस्त थे। धनवान की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जब उससे रहा न गया तो बोल ही पड़ा, भोजन का समय तो कब का हो चुका, क्या हम यहां खाने पर नहीं आए हैं? खाना? कैसा खाना? बीरबल ने पूछा। धनवान को अब गुस्सा आ गया। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुमने मुझे यहां खाने पर नहीं बुलाया है? खाने का कोई निमंत्रण नहीं था, ये तो आपको खुश करने के लिए खाने पर आने को कहा गया था, जवाब बीरबल ने दिया। धनवान का पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया। क्रोधित स्वर में बोला, ये सब क्या है? इस तरह किसी इज्जतदार आदमी की बेइज्जती करना ठीक है क्या? तुमने मुझे धोखा दिया है। अब बीरबल हंसता हुआ बोला, यदि मैं कहूं कि इसमें कुछ भी गलत नहीं तो? तुमने इस कवि से यही कहकर धोखा दिया था ना कि कल आना, सो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया। तुम जैसे लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। धनवान को अब अपनी गलती का आभास हुआ और उसने कवि को अच्छा इनाम देकर वहां से विदा ली। वहां मौजूद सभी बीरबल को प्रशंसा भरी नजरों से देखने लगे। एक बार अकबर ने भरे दरबार में अपने दरबारियों से पूछा, बताओ किस नदी का पानी सबसे अच्छा है? सभी दरबारियों ने एक मत से उत्तर दिया, गंगा का पानी सबसे अच्छा होता है। लेकिन बादशाह के प्रश्न का उत्तर बीरबल ने नहीं दिया। उसे मौन देखकर बादशाह बोले, बीरबल तुम चुप क्यों हो? बीरबल बोले, बादशाह हुजूर, पानी सबसे अच्छा यमुना नदी का होता है। बीरबल का यह उत्तर सुनकर बादशाह को बड़ी हैरानी हुई और बोले, तुमने ऐसा किस आधार पर कहा, जबकि तुम्हारे धर्म ग्रंथों में गंगा नदी के पानी को सबसे शुद्ध और पवित्र बताया गया है, और तुम कह रहे हो कि यमुना नदी का पानी सबसे अच्छा होता है? बीरबल ने कहा, हुजूर, मैं भला पानी की तुलना अमृत के साथ कैसे कर सकता हूं? गंगा में बहने वाला पानी केवल पानी नहीं बल्कि अमृत है, इसीलिए मैंने कहा था कि पानी तो यमुना का ही सबसे अच्छा है। बादशाह और सभी दरबारी निरुत्तर हो गए और उन्हें मानना पड़ा कि बीरबल सही कह रहे हैं। एक दिन अकबर व बीरबल बाग में सैर कर रहे थे। बीरबल लतीफा सुना रहे थे और अकबर उसका मजा ले रहे थे। तभी अकबर को नीचे घास पर पड़ा बांस का टुकड़ा दिखाई दिया।
उन्होंने बीरबल की परीक्षा लेने की सोची। बीरबल को बांस का टुकड़ा दिखाते हुए बोले, क्या तुम इस बांस के टुकड़े को बिना काटे छोटा कर सकते हो? बीरबल लतीफा सुनाते सुनाते रुक गए और अकबर की आंखों में झांकने लगे। अकबर कुटिलता से मुस्कुराए। बीरबल समझ गए कि बादशाह सलामत उससे मजाक करने के मूड में हैं। अब जैसा बेसिर पैर का सवाल था तो जवाब भी कुछ वैसा ही होना था। बीरबल ने इधर उधर देखा, एक माली हाथ में लंबा बांस लेकर जा रहा था। उसके पास जाकर बीरबल ने वो बांस अपने दाएं हाथ में लिया और बादशाह का दिया छोटा बांस का टुकड़ा बाएं हाथ में। बीरबल बोले, हुजूर अब देखें इस टुकड़े को, हो गया ना बिना काटे छाटे ही छोटा। बड़े बांस के सामने वो टुकड़ा छोटा तो दिखना ही था। निरुत्तर बादशाह अकबर मुस्कुरा उठे और बीरबल की चतुराई देखकर मुस्कुराने लगे। तो दोस्तों, ये तो थी अकबर और बीरबल की तीन मजेदार कहानियां। अगर कहानियां अच्छी लगें तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। आज के लिए इतना ही। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।